नमस्कार दोस्तों, लाइफ एंड टीचिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आपका RSCET का रिजल्ट है वो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च को जो एग्जाम हुआ था RSCET का, उसका रिजल्ट बिल्कुल आ चुका है। तो अगर दोस्तों आपको पता है कि RSCET का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे दोस्तों वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप अपना रिजल्ट देख लो। ओके, और दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि RSCET का रिजल्ट हम किस प्रकार से देख सकते हैं, दोस्तों इस वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 मिनट से भी कम समय के अंदर अपना RSCET का रिजल्ट है वो कैसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ हैक टीचिंग को एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके कंप्यूटर की अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों रिजल्ट देखने के लिए चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के अंदर कोई भी ब्राउजर स्टार्ट करना है, जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे गूगल क्रोम है वो ओपन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है RSCET रिजल्ट, बस इतना लिखोगे ना, इसके बाद में जो फर्स्ट जो लिंक आएगा इसी पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आगे एक पेज ओपन होगा, इसे थोड़ा सा आप जूम करोगे, जूम करने पे आपको दिखाई देगा, देखो 3 मार्च 2019, ये दोस्तों आपका ही रिजल्ट है। तो चलिए व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। व्यू रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने एक नया पेज आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बोलेगा कि आपका ज़िला कौन सा है, तो यहाँ पर हमने अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने अजमेर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और जैसे कि हमारा ज़िला है हनुमानगढ़, तो हम यहाँ पर हनुमानगढ़ सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने किस टाइप में सर्च करना है, यानी कि आपने रोल नंबर वाइज सर्च करना है या फिर नेम वाइज सर्च करना है। तो चलिए अपने रोल नंबर वाइज करते हैं, इस पर टिक किया, टिक करते देखो यहाँ पे एंटर रोल नंबर की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस पर और यहाँ पर मैं रोल नंबर इसके अंदर ऐड करता हूँ। तो मेरे पास जैसे कि मेरे रोल नंबर हैं 222 और 930, और इसके बाद में मैं करता हूँ व्यू रिजल्ट पे क्लिक। तो देखो दोस्तों आपके सामने एक मार्कशीट आएगी, जैसे कि ये सुखपाल मेरा स्टूडेंट है तो इसकी ये मार्कशीट है, और फाइनल रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है पास, इसके टोटल मार्क्स हैं वो 58 बनी हैं। ओके ओके दोस्तों, तो आपने देख लिया कि RSCET का रिजल्ट है वो हम 1 मिनट से भी कम समय के अंदर किस प्रकार से देख सकते हैं। अभी दोस्तों बात आती है कि अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, यानी कि अगर आपके रोल नंबर गुम हो चुके हैं या फिर दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो नो प्रॉब्लम दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, मैं उसका हल जरूर निकालूंगा। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं फिर RSCET की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।